क्या धोखा करा है? हमने तो सोचा था लगेज की दिक्कत नहीं आएगी, बट BMW में भी भाई लगेज की दिक्कत आ रही है। पार्थ को छेड़ रहे, कह रहे तू होटल नहीं जा सकता, तेरा आधार कार्ड नहीं है। तो अभी भाई यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, सब लोग यहीं बैठे हैं। ब्रो हुश, ब्रो हुश, हुश 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 आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। पार्थ जब तो तू गया गया, तू उग गया। आजा ब्रो, चल साथ में आजा, तेरे को और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 12 अगस्त 2022, मैं हूँ अभी गुड़गांव में एंड सुबह के 8 बज रहे हैं। कल रात को भाई मैंने ब्लॉग एडिट ही नहीं किया, मतलब केशव ने एडिट ही नहीं किया, क्योंकि मैं सो गया भाई 8:30 बजे, इतना थक रहा था राखी की वजह से। अब जल्दी जल्दी उठ के केशव को बुलाया, केशव एडिट करेगा ब्लॉग और आज 9:30-10 बजे तक लाइव कर देंगे। प्लस हमें आज निकलना भी है फैमिली ट्रिप में अपनी BMW X7 में, तो इसलिए पार्थ भी आया हुआ है और मेरी बहन जीजू भी आने वाले हैं। मैंने पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं करी भाई, सब करनी है अभी, तो फिर जल्दी जल्दी निपटाते हैं काम और फिर निकलते हैं। भाई एक दो इनवॉइसेस बनाने हैं, फटाफट बना लूं जाने से पहले, वरना फिर ब्रांड कहेंगे दो 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 दो, अब वहां कहां बनाऊंगा मैं। वो ये PC वाला सेटअप बेकार लगता है मुझे इनवॉइस के लिए ना। सोच रहा हूं कोई मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर ले लूं जिसमें कहीं पे अभी GST बिल बन सके वापस, वरना सेटअप में आना ना हर बार दिक्कत देता है। अभी के लिए तो चलो बना लेते हैं। व्हाट्सअप बड़ी, व्हाट्सअप सब बढ़िया? आगे तेरे मम्मी पापा है? बैग ले आए तेरा पैक करके, या तू नहीं जा रहा? जाएगा पक्का? चलो ठीक है। पैकिंग मेरी भी ऑलमोस्ट होने वाली है, मैं जब से वही कर रहा था, बैग वैग नहीं निकाला, कपड़े निकाल लिए जो जो ले जाने हैं। बट इम्पोर्टेंट है पहले भाई इनवॉइस बनाना। इनवॉइस बना लिए और ये कुरियर आया है, ये लेकर चलने हैं। गांव के प्रोडक्ट्स हैं, तो जिन जिन सामान की जरूरत है ट्रिप पे वो ले जाता हूँ बस, है ना। फोन लेके आया हूँ, झूठ बोल के। क्या धोखा करा? क्या धोखा करा? कह रहा है फोन लेके। तो लास्ट ब्लॉग जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, राखी पे प्रैंक किया था एप्पल का, मैक मिनी देख के कह दिया कि आईफोन है। बाकी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्या नहीं, केशव एडिट कर रहा है अभी, तो ये सारे प्रोडक्ट्स अब देखना पड़ेगा क्या क्या ले जाना है इसमें से हमें। चलो जी, जो जो ले जाना है इसमें रख लिया। हो गया एडिट पूरा, फटाफट मार दो फुल स्पीड में। तूने तू कहाँ जा रहा है बदतमीज? यहाँ पर मेरे दूसरे चैनल्स की व्लॉग अपलोड, मतलब वीडियोस अपलोड हो रही है और वहाँ पे केशव एडिट कर रहा है। ब्रूनो आवारागर्दी कर रहा है, कुछ काम धाम नहीं है इसको, देखो। तो मैं फटाफट से बैग पैक शुरू करूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे वरना। तो ये आ गया अपना सूटकेस, अगले 3-4 दिन के लिए काफी रहेगा। तो अभी तो मैं फिलहाल एक ही परांठा खा के जा रहा हूँ, बाकी पैक करवा लिए। रोड ट्रिप में रस्ते में मजा आता है भिंडी परांठे और अचार खा के। तुम भी जा रहे हो क्या? हाँ बढ़िया, चलो शुक्र है, अब हम 4 लोग ही जा रहे हैं बस मजे से। पार्थ को ले चलते, पार्थ तो चलेगा ना? चल पार तो चलेगा। चलो जी रेडी हो गए हैं, मेरा बैग पैक है एंड ये लैपटॉप बैग है। हाँ हाँ अभी आ रहा हूँ। चलो 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 गाड़ी में बैठो, जल्दी जल्दी लोड करो लगेज भी और इंसानों को भी। ये ले जाओगे मम्मी, पीछे एक बार रख देना। चलो चलो तुम चलो गाड़ी में बैठो। तो असल में केशव और ब्रूनो यहाँ पर घर पर रुक रहे हैं, बाकी हम सब लोग ही जा रहे हैं। ठीक है ब्रूनो, बाय, फिर आके मिलेंगे तेरे से। ओके, ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन का ही है, तो आ जाएंगे जल्दी। मेरे जूते भाई जब से लद्दाख से आए हैं ना गाड़ी में ही पड़े हुए हैं, तो कौन से कोई भी एक ले चलता हूँ। ये सही लग रहे हैं, हाय हाय तो बहुत गंदे हो रहे हैं यार, साफ करना पड़ेगा कपड़े से। हमने तो सोचा था लगेज की दिक्कत नहीं आएगी, बट BMW में भी भाई लगेज की दिक्कत आ रही है, क्योंकि लास्ट की 2 अगर सीटें ऊपर कर दी ना, तो मतलब बैठने वाले 7-6 बैठ सकते हैं, बट सामान में इशू है। एक तो इलेक्ट्रिक टेल गेट की ये भी दिक्कत है कि जरा सा भी सामान अड़ जाए, हटा बुहट, जरा सा ही सामान अड़ जाए बंद नहीं होता। मैनुअल में क्या एक बार धक्का लगा के जबरदस्ती कर सकते हैं हम बंद। अब इसमें देखना, हो गया, चलो शुक्र है, ठीक है जी। ना ना ये तो पापा के पैरों पे आ जाएगा। तो अभी 2 बैग की दिक्कत आ रही है, ये और ये हट गया। तो तुम बटन दबाई, हटेगा ही बटन, मैंने दबाया ही नहीं। अच्छा तो ऐसे देखो भाई, पीछे बैठ गए मामा मम्मी और पार्थ, बीच में जीजू और बहन, और यहाँ पर एक सूटकेस आ गया और उधर की साइड में मेरा बैग आ गया लैपटॉप वाला, बाकी पापा BMW में भी जुगाड़ करके निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी। अब 11:34 हो गए हैं निकलते निकलते। हाँ 8-9 बजे का सोचा था सुबह। तो सबसे पहले भाई पेट्रोल पंप ही आए हैं, वैसे तो कल मैंने भरवा लिया था, बट माइलेज टेस्ट वाली वीडियो के लिए मैंने फिर से भरवाया और 7.59 लीटर आया गाड़ी में अपनी। अब भाई यहाँ से सीधा खींचेंगे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हम अभी यही बात कर रहे थे कि कितना सही सोना तक का ये बन गया पूरा हाईवे एक्सप्रेसवे जो भी है। मतलब पहले तो ऐसे रोड खुदी हुई थी, ट्रैफिक लग जाता था, बट अब ऐसे सीधा सीधा भाई साहब बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। और हमारी टोटल डेस्टिनेशन थी घर से भाई 230 किलोमीटर की, बचे या 212 किलोमीटर, मतलब 10-15 मिनट में ही अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है अच्छी रोड होने की वजह से। सोना सिटी तक तो रोड अच्छे थे, बट इसके बाद अब जैसी मतलब ये सिटी थी सोना सिटी, और अब टूटे फूटे पड़े रोड, शायद अभी भी बनेगा ये ढंग से फिर तो और आगे तक हो जाएगा। बट जीजू बता रहे हैं कि पहले कितने 1.5-2 घंटे लग जाते हैं सोना आने में। सोचो 1.5-2 घंटा से सीधा 15-20 मिनट पे शिफ्ट हो गया रास्ता, इतना मस्त।
भाई 50 किलोमीटर के अंदर अंदर तीसरा टोल आ गया है यहाँ पर। ये देखो अब ये कितने पैसे कट रहे हैं मुझे पता नहीं है, मैसेज भी नहीं आ रहा, तो आएगा तो मैं बता दूंगा फिर बात। तो अभी टोल टैक्स से ये नलकिया लिया है, बचपन में हम बहुत खाते थे, एक एक रुपए की मिलती थी, अभी ये मिली है 10 रुपए की 5। सही है, मतलब इतनी महंगी नहीं है और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है भाई साहब, बचपन की याद आ गई पूरी। यहाँ पर यार एक ढाबा मिल गया, काका फैमिली ढाबा, जीजू ने चाय पीनी थी प्लस मम्मी हमारे लिए परांठे और क्या लाई है वो भिंडी, तो मैं भी वो खा लेता हूँ, वरना चलते चलते कहाँ खाई जाती है। क्या खाना है? दाल चावल खाने हैं। चलो जी चलो फिर उतरो। चलो जी उतरो। अब इसका थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अटैच वो रखा हुआ है यहाँ पे सूटकेस। चलो जी उतर जाइए, अब उतर जा। सही है, कंफर्टेबल है वैसे तो। हाँ हाँ मोटो ना ना चढ़ जाओ, अच्छा चढ़ रही है, आजो आजो माते आजो। सही है पीछे वैसे लास्ट सीट, कंफर्टेबल, कोई छोटी तो नहीं लगती। मेन वही था भाई, 6-7 बंदे आराम से आ जाने चाहिए, 6 तो आ जाते हैं, 7वां बच्चा आ जाता है। जैसे हम भी 6 बड़े लोग हैं, पार छोटा है, वो ये लगेज का थोड़ा इशू हो जाता है जब 6 लोग बिठाते हो, वैसे सही है सब। चलो बार सही है, उल्टी तो नहीं आई आज तेरे को? आज इसे हमने दवाई खिला दी थी, कौन सी एवोमाइन खाई थी ना, तो इसको आधा 1 घंटा पहले ही खिला दिया, अब इसको उल्टी नहीं आएगी। ये नाचो होए, पापा का भी गला खराब हो रहा है वही। हमारे पूरे घर में भाई एक एक करके सब बीमार पड़े हैं, गला वही मतलब टोन्सिल्स वाली प्रॉब्लम मौसम चेंज की वजह से। अब सारे ठीक हो गए बट अब ट्रिप पे पापा हो गए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अभी बुखार उखार भी चढ़ गया। भाई तो खा लिया है वैसे, चला जा बाहर, क्या खाएगा बता? चिप्स नहीं, चिप्स नहीं खाएगा, कुछ नहीं खिलाना चिप्स, ठीक है ओके। गाड़ी देखो क्या लग रही है भाई अपनी तगड़ी, इतनी ह्यूज सी। चल चल बैठ, तू तो बैठ, तू क्या भटक रहा है? और चिप्स नहीं खाने, पिट जाएगा मेरे से बहुत ज्यादा। चाय चाय लेनी है वैसे तो यहाँ चाय तो आ गई है सबकी, और पापा अंदर मंजा लगा हुआ था वहाँ पे लेटे थे, अभी वो देखो रेस्ट कर रहे हैं, और इसने कुछ खाने के लिए मंगवा लिया जिसके लिए सलाद दे दिया साथ में। तो जी खाना भी आ गया है, फटाफट खा के चलते हैं भैया, जल्दी जल्दी खाना ठीक है। वही तो है उड़द चने की राजमा वाली, और हमारे घर वाले चाहे छोटी ट्रिप हो चाहे लंबी ट्रिप हो घर का सामान जरूर लाते हैं, देखना फैन बिस्किट वगैरह आपके भी घर में करते हैं ऐसे, बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मुझे केबल निकालनी है, मेरा आईफोन की बैटरी नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला बैग ना अंदर ही रखा, क्योंकि तारे वारे है ना इसमें तो कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ जाती है। ये रहे आलू के परांठे, साथ में अचार और भिंडी, अपना तो हो गया मस्त लंच। सही है घर वालों के साथ आने का फायदा, लंच वंच मिल जाता है। गला खराब ना हो बस भगवान जी। अभी घर से निकलने के टाइम मैंने राखी वाला ब्लॉग जो है वो लाइव किया, और उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब एक ग्लिच हो गया यूट्यूब का, कि या तो वीडियो 240p में चल रही है या 1080p में चल रही है, बीच के ऑप्शन ही नहीं आ रहे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, तो शायद से प्रोसेसिंग में दिक्कत हो रही होगी, बट हो जाएगी 1-1.5 घंटे में ठीक। बाकी पापा दवाई खा रहे, और भाई बारिश शुरू हो गई है, सुबह सुबह इतनी धूप थी, अब मस्त मौसम हो गया है, और बारिश आ गई तो हाईवे पे मजे आ जाते हैं बारिश में चलाने में, ऐसे मस्त काले काले बादल ऊपर। खा लिया? चले फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, रुके तो चाय के लिए थे बट अब सबने प्रॉपर लंच कर ही लिया यहाँ पे, तो अब टेंशन नहीं है, सीधा खींचेंगे और लेनी है अभी फिर। हाँ हाँ कर लूंगा, बैठो जी बैठो जल्दी। तो पापा कह रहे मेरे को थोड़ा लेट ना, इसलिए जीजू वाली सीट पे पापा आ जाएंगे, मैं रिक्लाइन कर दूंगा इसको और जीजू आगे बैठ जाएंगे। बिल दे दिया पापा? हाँ। कितना रुपया है? 280-300 दे दिया। सही है, दाल ले ली थी काफी सारी, रोटियां ली, सही हो गया। कर दूं बंद? पैर ला उधर ले जा, ऐसे तो तंग हो जाएगी, रुक हट निकल, पैर निकल, पल उतार के या तो कर लेना, पैर बस उधर फिट कर ले। सब कमेंट में कह रहे हैं कि आईफोन नहीं मिला, रिंग मिली लेकिन थैंक यू तक नहीं बोला। बोल, गिफ्ट तो गिफ्ट है, छोटा हो चाहे बड़ा हो थैंक यू बोल, है ना? और बड़ा है हाँ, क्या थैंक यू। हाँ चलो चलो लेट्स गो भाई, लोग अब कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा, बट अभी थोड़ा खींचते हैं लंबा। ये सामने बोर्ड देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, आगरा आए हुए हैं हम, और ताजमहल देखना है। मैं तो आया हूँ आगरा, बट उस टाइम पे मैं आ गया था फ्राइडे को गलती से, एंड सैटरडे संडे भी, तो तीनों दिन जो है ताजमहल उस टाइम पे बंद होता था कोविड की वजह से। अभी भी फ्राइडे को बंद होता है बट सैटरडे संडे खुलता है, और इत्तेफाक देखो भाई आज भी फ्राइडे ही है, मतलब पिछली बार भी फ्राइडे को ही आया था, आज भी फ्राइडे, बट आज हम ताजमहल नहीं घूमेंगे, आज हम आगरा फोर्ट हो गया और एक दो जगह और घूम लेंगे, और कल जो है वो ताजमहल जाएंगे फिर दिन में। तो अभी फिलहाल हमारा होटल जो है यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया है, लगभग 20 मिनट ही लगेंगे हमें, बुकिंग मैंने करवा दी थी घर से ही गुड़गांव में सुबह सुबह, तो अब जाके सीधा चेक इन करना है, 4 बज जाएंगे लगभग, अपना रेडी होके 5 बजे फिर निकल जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से फाइनल टोल होने वाला है, यहाँ पर लिखा भी आ गया आपका हार्दिक स्वागत है,
अब तो बचा ही कितना है, 13 किलोमीटर है, अब क्या ही टोल आएगा। टोटल कैलकुलेशन ना मैं टोल की आपको होटल जाके बताऊंगा, मैसेज चेक करके फास्टैग में से कि कितने कितने कौन कौन से टोल में कटे, या फिर टोटल यहाँ आगरा तक कितने कटे अपने। मेरे ख्याल से यहाँ कैश देना भाई, यहाँ पे नहीं है फास्टैग, नहीं है, हाँ कैश ही दे रहे हैं। कितने रुपए है? रिटर्न तो 2-3 दिन बाद है, आते वक्त भी कटेंगे, जाते हमें कोई फास्टैग नहीं है। असल में फास्टैग था यहाँ पर भी, बट हमने देखा नहीं, साथ वाली लेन थी, हम कैश वाली में घुस गए। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे डबल नहीं था रेट, मतलब 40 ही कैश में था, 40 ही फास्टैग में था, तो कोई बात नहीं, कैश कटवा लिया। सही है भाई, आगरा में इतना ट्रैफिक नहीं है, ठीक ठाक ही है। और अपना 3 किलोमीटर रह गया सिर्फ होटल, और आगरा में एंटर करते ही हर जगह पेठा पेठा ही दिख रहा है, पंची पेठा। एक ही नाम से 100 लोगों ने दुकानें खोल रखी है, पता नहीं असली कौन है नकली कौन है। पापा का गला खराब है, अदरक वाली चाय पीनी है, यहाँ मिल जाएगी। पूछना यहीं पूछ लो, खिड़की खोल के मैं आगे उतरो, आप मैं लगाऊंगा आगे। होटल भी बिल्कुल आगे जाके बस लेफ्ट मुड़ते ही है, साइड करके लगा लेते हैं भाई, रोड पे ना हो ताकि आराम से। गोली खिलाने का फायदा हो गया, उल्टी करी नहीं पार्थ ने ना, 250 किलोमीटर भी देख लो 4 घंटे है, करवा लो। किस किस ने पीनी है? एक तो मेरा। और पीनी है किसी ने? तुमने नहीं पीनी? मामा ने? दो ही है बस आपकी और दीदी। चिप्स भी दे देना इसे, दे दो कौन से। हो गई भाई, अगर अगर रास्ता बिल्कुल सही है, थकान नहीं होती, अपना सीधा एक्सप्रेस वे चढ़ो यमुना, और मस्त 3.5-4 घंटे में पहुंच गए। अच्छा ठीक है, कैसी है चाय पापा? बढ़िया, अदरक वाली तो ले ली है, फटाफट चलते हैं होटल में चेक इन करते हैं, जो कि क्या है भाई ये होटल स्वेस ग्रैंड। और कपड़े वपड़े बदलेंगे, नहाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और 5 बजे निकल लें क्या। नहीं, ब्रश भी नहीं करती, देख लो दांत पीले सारे, दिखा दे, देखा क्यों छुपा रही है, ब्रश ही नहीं करते। छी यार, लो जी पहुंच गए अपने होटल, ये रहा पार्किंग, देखते कहां पर है। लेट्स गो, वो होटल है, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है, भारी पार्थ को छेड़ रहे, कह रहे तू होटल नहीं जा सकता, तेरा आधार कार्ड नहीं है। अब क्या करेगा पार्थ, तेरा तो आधार कार्ड ही नहीं है, तेरे को घुसने ही नहीं देंगे, तू गाड़ी में सो जा ठीक है, सामान निकाल लो, आधार कार्ड भी। चलो जी लगेज उतारते हैं, वैसे तो मैं बुला के लाता हूँ, रुको मैं बुला के ला रहा हूँ लगेज वाले को, जाते हैं लगेज के लिए बुलाते हैं और चेक इन करते हैं। मस्त मौसम हो गया, मैं तो सोच रहा हूँ नहाए धोए ना और सीधा ना फोर्ट के लिए निकलते हैं, आगरा फोर्ट, क्योंकि हमें लगा धूप होगी 4 बजे, इसलिए 5 बजे जाएंगे, पर जब अब धूप है ही नहीं तो फिर अभी चलते हैं। भैया लगेज के लिए भेज देना। तो अभी भाई यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, सब लोग यहीं बैठे हैं। असल में मैंने बुकिंग करी थी मेक माई ट्रिप से, बट मेक माई ट्रिप पे इनके होटल के आगे लिखा रहा था फैब होटल्स, तो वो फैब होटल्स के थ्रू हुई होगी बुकिंग उस टाइम पे। तो अभी वहाँ से ये लोग कह रहे हैं कि हमारा फैब होटल से टाई अप हट चुका है, इसलिए आपने जो पेमेंट करी है हमारे पास वो आई नहीं है। फिर मैंने मेक माई ट्रिप पे करी हुआ था, 15-20 मिनट हो चुके, उन्होंने सोल्यूशन निकालते नहीं, मतलब निकाल ही लिया है, वो कह रहे कि आपको चेक इन दे देंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 12,000 रुपये भर चुका हूँ 2 नाइट के 3 रूम्स के। तो देखते अब क्या सीन चलता है, थोड़ा पहली बार ही हुआ है मेरे साथ तो ऐसा, वरना इतनी बार मेक माई ट्रिप से बुकिंग करी आज तक इशू आया नहीं कभी ऐसा कोई। यार सोल्यूशन अब मेक माई ट्रिप वालों ने निकलवा दिया, जिससे मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। अब क्या चीज़ हुई है पूरी बताता हूँ, बट हम भाई इस होटल से शिफ्ट हो रहे हैं मैरियट होटल में, सोचो 5-स्टार प्रॉपर्टी, इतना महंगा मैंने उसका रूम चेक करा, 24,000 रुपये पर नाइट दिखा रहा है 3 रूम के। अब पूरी स्टोरी क्या बताऊंगा, फटा फटाफट से चलते हैं भाई और वहां चल के चेक इन करेंगे, मजेदार 5-स्टार में रहने का मौका विद स्विमिंग पूल, OMG। तो जी पहुंच गए हैं कोर्टयार्ड मैरियट, चलो जी लगेज उतार लिया है और चेक इन कर रहे हैं अब। चलो जी चेक इन डन, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है हमें, 3 रूम्स मिल गए हैं। मम्मी 5-स्टार होटल, फ्री है, अपने शॉर्ट्स होनी चाहिए, निक्कर है कोई, अंडरवेयर अलाउड नहीं होते भाई साहब, इतने सारे रूम्स है, कंफ्यूजिंग हो गया बड़ा, 158 ढूंढना हमें, बहुत लंबी लॉबी है। तो एक तो रूम ये है भाई अपना, 158 है एक तो अपना, ओ भाई क्या सही रूम है, अरे आते ही फोन बजने लग गया। तो हमारे 3 में से 2 रूम्स तो ऐसे है सिंगल वाले, और एक रूम हमारा जो है वो डबल बेड वाला है, तो मतलब जीजू रह लेंगे उसमें। मेरा रूम भाई सबसे एंड में है, बट कोई बात नहीं, उन सबका उधर है। ओए होए होए होए, गजब है, इसमें सोएंगे पार्थ और मैं, बल्ले बल्ले डांस करूं, बल्ले बल्ले। होए होए, अपना लगेज अभी आने वाला है और हम निकल रहे हैं घूमने के लिए, जो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। बट अगर मैं आपको बताऊं पूरा सीन क्या हुआ भाई, एक्चुअल में मैंने बता दिया ना, फैब होटल के थ्रू, मतलब मेक माई ट्रिप के थ्रू मैंने एक होटल बुक किया जो फैब होटल के अंडर आता था, बट अब वो होटल फैब होटल के साथ जो टाई अप था वो बंद हो गया। हुआ क्या, मैंने जो भी पेमेंट करी थी 12,000 रुपए की, वो चली गई फैब होटल वालों के पास, और अब होटल ने हमें एंट्री मतलब चेक इन देने से डिनाई कर दिया कि हमारे पास पेमेंट नहीं आई है, कोई बुकिंग नहीं लगी हुई है। तो लास्ट
में रेजोल्यूशन यही निकला कि मेक माई ट्रिप वालों मेरे 12,000 रिफंड करे, साथ ही साथ में 3,000 रुपये मेरे वॉलेट में एक्स्ट्रा रिफंड करे, यानी कि भरे 12 दिए मुझे 15, तो अपने को ये मैरियट होटल फ्री में मिल गया एक नाइट के लिए। आज के लिए मिला, कल नहीं, तो कल हमें अलग से बुकिंग करानी पड़ेगी और यहाँ पे बहुत महंगा है, 24-25 हज़ार रुपये की है एक नाइट 3 रूम की, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बुक करूँगा, कल हम कहीं सस्ते में चले जाएंगे, बट आज अपने को फ्री में मिल गई यहाँ पे आगे 4th 5-star होटल। तो चलो भाई, वाले ब्लॉग के लिए नहीं रखते, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज सीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।